अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मुस्तफ़ा हिल्स इलाके में मुसलसिल अवाम परेशान है। राशन नहीं मिलने की वजह से ये लोग हुकूमत और मुकामी जिम्मेदारों पर नाराज हैं। हुकूमत की जानिब से कोई सहूलतें नहीं दी जा रही है, जबकि बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। जरूरी है कि इन तक भी राशन पहुंचे, क्योंकि रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और अब खत्म होने को रमजान कुछ दिन बाकी है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अनाज नहीं। बड़ी अफसोस की बात है, जो लोग राशन लगातार तकसीम कर रहे हैं अपने जाति जेब से, और एक इंसानियत के नाते उन लोग को हम सलाम करते हैं। वो लोग थोड़ा सा ऐसे लोगों को भी देखें, ऐसे इलाके में भी देखें, ताकि आपकी जो मेहनत है, जो आपकी नीयत है, वो पूरी तरह से कामयाब हो और दुनिया में भी और आखिरत में भी आपकी कामयाबी हो। इसलिए ऐसे लोगों की भी मदद करिए जो इज्जत के लिए बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वाकई वो भी बहुत परेशान है। तकीउर रहमान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। हम लोग वादी मुस्तफ़ा हिल से बात कर रहे हैं। ये मस्जिद वाहब अलमहद मस्जिद मदरसे से बात कर रहे हैं। हम लोगों को लॉकडाउन हुए जब से यहाँ पे राशन की बहुत परेशानी हो रही। तेलंगाना हुकूमत से कुछ तो भी हमारा को इंतजाम हो गए तो अच्छा है, कि बोलते यहाँ पे बहुत सारे गरीबा हैं, बच्चे बड़े बहुत सारे परेशान हैं। कोई भी आके हमारे यहाँ पे राशन नहीं आ रहे, आ रहे तो भी थोड़ा उधर से उधर चले जा रहा, यहाँ तक हमारे को नहीं पहुँच रहा। सब जने बहुत परेशान है। लॉकडाउन का आखिरी टाइम तक आ रहा, मगर अब तक हमारे को राशन नहीं आया कुछ भी। तेलंगाना हुकूमत हमारा परेशानियों को जरा देख के उसमें हमारे को मदद करे तो बहुत बहुत शुक्रिया है। केसीआर जी से मैं हमारी गुजारिश है कि हमारे को राशन जो भी होना है, जो तरकारी रहने दो, जो भी कर सकते करे तो बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे लिए। राशन पाने के वास्ते बहुत तकलीफ में है हम लोग। हमारे बच्चे गाड़ियां चलाते, गाड़ियों को नहीं जा रही, गाड़ियां बंद है। छोटे बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे, कैसा होगा? अब इतने दिन बंद है तो अब ईद सामने आ रही, खरीफ में कोई चीज नहीं बोले सरकार हो जा रहा। ये गली में तो कुछ हो रहा है, नहीं बता हो रहा। तो आए थे एक वक्त घर के पास ला के दिए थे खत्म राशन पानी, और कुछ वैसी बात नहीं है। और पेशेंट मिजाज खराब से जाना नहीं हो रहा, मतलब दवाखानों गए तो रोक ले रहे, कर रहे कहा से कैसा था। दवाई की सब जरूरत है, शुगर बीपी थायराइड वाले तो बहुत है यहाँ से। मुस्तफ़ा से बात कर रही हूँ, वादी मुस्तफ़ा से बात कर रही हूँ। भाई, जब से लॉकडाउन हुआ है यहाँ पर बहुत तकलीफ मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो कुछ भी आ रहा है बाजू आजू इधर चले जा रहा है, लेकिन यहाँ तक कुछ नहीं पहुँच रहा। आपके सीआर साहब से गुजारिश है कि यहाँ का खासकर ख्याल करिए। गरीब बच्चे, बड़े बूढ़े बहुत है, जिसकी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सक रहे हैं, उन कैसा करेंगे? आप लोग खुद बताइए। हमारे आपसे गुजारिश है कि तरकारी अभी भी जा सकते हैं आप, कुछ भी इमदादी नहीं हो रही यहाँ पे। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ, अकबर अवैसी साहब, असदुद्दीन साहब, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे गली में जो है वादे हिल्स में बहुत परेशानी चल रही है। यहाँ पर राशन पानी हो या दवाइयों के बारे में हो, पेशेंट्स बहुत हैं यहाँ पर, गरीबी बहुत है। जो भी राशन आ रहा बाजू दूसरे गलियों में, दूसरी तरफ इमदाद हो रही, मगर हमारे गली में ज़्यादा नहीं हो रही कुछ भी। अब रमज़ान का मौका भी आ गया, हम लोग बाहर नहीं जा सकते, हम लोग बहुत परेशान हैं। जो पेशेंट्स हैं वो तो और भी ज़्यादा परेशान हैं, और तरकारी भी नहीं मिल रही हमको कुछ भी, और मिल रही भी तो बाज़ारों में बहुत महंगा मिल रहा, हम कुछ नहीं खरीद सक रहे ज़्यादा। अब कब तक ये लॉकडाउन चलेगा और हम कब तक परेशान रहेंगे? आप लोगों से हमारे सहारा, ज़रा आप लोग हमारे बारे में सोचो कुछ तो भी। कुछ अगर अच्छा सोचेंगे तो आप लोगों को हमारी दुआएं मिलेंगी। ये गरीब बच्चे, ये छोटे बच्चे, मासूम, ये सबकी दुआ आप लोगों को लगेंगी। जरा आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी अगर ऐसा कुछ करेंगे तो। जरा सोचो आप लोग हमारे बारे में, आप लोगों की बहुत बहुत हमारे तरफ से दुआ रहेंगी। जो भी है आप हमारी मेहरबानी समझ के, कुछ भी समझ के, रमज़ान का भी जो सामना आ गया, आप लोग कुछ करो हमारे लिए। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? आप लोग हमारे महल्ले में आके देखो हम कितने परेशान हैं। जो भी है आप लोगों की मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, या मुस्तफ़ा हिल्स। यहाँ पर राशन की, दूध की, हर चीज़ की तकलीफ है। यहाँ पर राशन क्या, तरकारी क्या, कुछ ही नहीं आ रहा। आगे की गली में जा रहा तो हम लोग जा रहे तो झिड़की दे रहे, यहाँ पर नहीं आना, वहाँ पर नहीं आना, ऐसा बोल रहे। और सबके घर में, एक घर में चार बच्चे, तीन बच्चे, पांच बच्चे हैं। किसी को दूध की परेशानी है, किसी को दवा की है, किसी को तरकारी की है, किसी को राशन की है, और अल्लाह ही जानता है कि उनके घर में क्या है और क्या नहीं है, कि कोई किसी के सामने भी नहीं बोल सकता। अगर आप लोगों से जितना हो सका, आप लोग अगर हमारी उतनी मदद करते हैं तो करिए। इससे बोलिए, मदरसे के सामने से
हर चीज की बहुत तकलीफ है, तरकारी की, दूध की, छोटे छोटे बच्चे हैं, तरकारी की बहुत परेशानी है, दूध की परेशानी है, ना राशन नहीं कुछ नहीं क्या नहीं, रोज कमा के खाने वाले मर्दे हैं, पूरे मर्दे घरों में बैठे हैं, बहुत परेशानी है, इससे ज्यादा बहुत भी बहुत परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे दूधों को तक तरस रहे हैं यहाँ पे, और जो है सर तरकारी की भी बहुत परेशानी है, राशन इधर आजू बाजू आ रहा मगर यहाँ ये गली में ही नहीं आ रहा, कि क्या बोलता दे दिए जाओ ऐसी बोल रहे हैं। और शुक्रिया देख रहे हैं, जो भी न्यूज देख रहे हैं जितना चाहे उतनी मदद करने की कोशिश करिए, यहाँ पे सब मुसलमान है, पूरे रोजदार है, बहुत से बहुत तकलीफ है यहाँ पे, जितना हो सके उतनी मदद करना, मदद करे तो बहुत मेहरबानी होती है आप लोगों की, रोजदारों की दुआई लगेंगी आप लोगों को। ये देखिए मुस्तफा हिल से, ये मदरसे के पास से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी इमदाद यहाँ तक नहीं आ रही, इमदाद आने का कोई मकसद ही नहीं है, यहाँ से जो भी दे रहे नहीं दे रहे के हिसाब में रह रहे, और जो लेके आ रहे सिर्फ वो गली ये गली बोल के बोल रहे, कहीं दूसरे जने जा रहे तो उन लोग बहस करके भेज दे रहे, और कुछ भी नहीं, मतलब हम लोग किसको जाके अपील करना, मैं आपसे ये है तेलंगाना हुकूमत से और अकबरुद्दीन अवैसी साहब असदुद्दीन अवैसी साहब से गुजारिश ये करता हूँ कि जितना हो सके आप लोगों से, गरीब जने हैं यहाँ पे, ऑटो चलाने वाले है, रिक्शे वाले है, कोई काम करने वाला है, कोई लेबर है यहाँ पे, कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों से जितना हो सका मेहरबानी करके पहुँचाइए, बस यही बोलना चाह रहा हूँ मैं आपसे। वालेकुम, मैं तमाम तेलंगाना हुकूमत के जो भी लोग हैं, जो जिम्मेदार शख्स जैसा कि हमारे TRS के KTR साहब और CM साहब, KCR साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा सब जगह चल रहा, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब चल रहा, ट्विटर में बहुत सारे अच्छे से न्यूज़ आ रहे हैं आपके, लेकिन वो ऐसे पीपल्स के पास नहीं पहुंच रहा जहां पर रिक्वायरमेंट है, जैसा कि यहाँ पर असदुद्दीन साहब का तो बाजू में बेरोजी है हमारा, लेकिन हमारे को अभी तक तो कुछ भी नहीं आया है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फूड, वो किसको जा रहा है क्या है अल्लाह को मालूम है, शाहीन नगर में यहाँ पर वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा भर रहे, लेकिन कौन है क्या है नहीं मालूम, कॉरपोरेटर्स करने वो रेशन पूरा जा रहा लेकिन वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा नहीं मालूम, यहाँ पर कोई भी क्या है ना, सब अपनी अपनी जगह पे देख ले रहे, कॉरपोरेटर्स रहो कोई भी रहो, जो कंसर्न पर्सन है वोटिंग्स के टाइम पे जो आते उन्होंने तो दिख रहा भी नहीं अभी गली में, जब वोट पूछने के लिए जो आता बंदा वो तो अभी दिख रहा नहीं, चाहे वो कोई भी पार्टी का हों दो, लेकिन अभी ऐसे टाइम पे वो पार्टी मेंबर्स जो भी कंसर्न पर्सन है जो हमारे को वोट पूछने आते, जैसा कि वार्ड मेंबर्स रहो, कॉर्पोरेटर्स रहो, MLAs रहो, MPs रहो, व्हाटएवर जो भी रहो, उनका काम है ये टाइम पे आगे पब्लिक को सपोर्ट करना, यही टाइम पे क्या है ना उन दिख रहे भी नहीं दूर दूर तक भी, और जाकर पूछे तो हम दे दिए बोल रहे हैं, अरे भाई आप लोगों के पास हर गली का नक्शा है, हर गली में कितने घर है, सब चीज डेटा है आपके पास, वोटा तो हर घर पे, कोई घर वाला अगर वोट नहीं डाला तो भी बुला के पूछते आप लोग आके भाई फला कहीं को वोट नहीं डाले बोल के, तो आप लोगों को ये ख्याल नहीं है कि आके फलाने घर पे आके पूछना कि फलाने बंदे कने मैं वोट के लिए गया था उसकने है ही नहीं है बोल, और यहाँ पर हर चीज से, यहाँ पर ऑटो रिक्शा और बंडियों से घर गुजारने वाले लोग हैं यहाँ पे सारे के सारे, और यहाँ पर जो भी है किसी के पास भी क्या है ना सही तरीके का राशन पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लोग पब्लिक खुद हमारे पास जितना है एक दूसरे को सपोर्ट करके काम चला रहे हैं यहाँ पर, तो ये हुकूमत पूरा इररेस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रही है एरिया में, ये एरिया है वादी मुस्तफा हिल्स अल महद मदरसे के पास का एरिया है ये, यहाँ ऑलमोस्ट 170 to 200 हाउसेज है यहाँ पर, जो मैं खुद भी चेक करा सो हूँ, और इतने पुअर पीपल्स हैं यहाँ पर, इतने पुअर पीपल्स है पूछो मत, किसी किसी के पास तो क्या है ना एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे सो है और हम भी हमारे साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुकूमत की और यहाँ कर जो भी रिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेटर्स MLAs MPs है उनकी है, और काफी सारे मैं यहाँ पर ट्वीट्स भी करा सो हूँ, KCR साहब को करा, KTR साहब को करा, और सबिता रेड्डी मैडम को भी करा, और जो है सो असद साहब को करा, अकबर साहब को करा, और यहाँ के जो भी रिलेटेड हमारे एरिया के जितने भी रिलेटेड मेंबर्स है सभी को ट्वीट भी करा सो हूँ, लेकिन वो लोग सिर्फ जो कंट्रीब्यूट कर रहा पैसा उसकी फोटो लेके डाल रहे, उसका नाम डाल रहे, लेकिन जो जरूरतमंद है उन लोगों के ट्वीट को तो पूरा केयरलेस ही कर दे रहे, मतलब उसका रिप्लाई नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब जहां से खाली आमदनी आ रही वहां के लोगों की वैल्यू है क्या, जहां पर कोई रिक्वेस्ट दे रहा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या, इतने सारे ट्वीट डाला मैं और न्यू और काफी सोशल मीडियाज में मैं तो यहाँ पर वीडियोस लेके भी डाला सो हूँ एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ए एरिया मेंबर, एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे एरिया मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों की तकलीफ को मैं बयान करूं, बाहर जाहिर करूं, उसके बेसिस पे मैं क्या है ना बहुत सारे जगहों पे मैं भी एज ए सोशल मीडिया पे बहुत सारे जगहों पे न्यूजेस फॉरवर्ड करा सो हूँ, ट्वीट्स भी करा सो हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कोई किसी भी तरीके का हेल्प नहीं है, यहाँ पर डोर टू डोर वो लोग को लाके देने क्या प्रॉब्लम है,
सभी के घर मालूम है और यहाँ पर ज्यादा कोई इतने बड़े घर भी नहीं है, 170 to 200 हार्डली घर है और वो पूरे एकदम गरीब लोगों के घर है यहाँ पर और सभी को मालूम है, इजीली डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं यहाँ पर। उसको ले लेके क्या है ना, चार जनों को बुला ले रहे हैं अलग से डिस्ट्रीब्यूट कौन से की गलियों में कर ले रहे, क्या बोले तो वो एरिया में दे दिए। इट्स टोटली मतलब यहाँ पर खाने पीने की जगहों पे भी इतने मुश्किल हालात में भी आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे और हक मार दे रहे गरीबों का, तो ये टोटली रॉन्ग है। और मेरी रिक्वेस्ट है ये न्यूज जहां पर भी जारी, जो भी लोग देख रहे चाहे वो पॉलिटिशियंस रहो या सोशल सर्विस वाले रहो या कोई महर्षि हालत से बेहतरीन लोग रहो, तो मेरी गुजारिश है, मैं फिर से एरिया का नाम रिपीट करता हूं आपको, ये मुस्तफा हिल्स है, यहाँ पर अल समद मदरसा है उसके पास ये एरिया आता है और यहाँ पर ये खुबा कॉलोनी भी बोलते हैं इसको, नियर बाय खुबा कॉलोनी जलपल्ली एरिया में आता है ये, तो यहाँ पर सच न्यूज से भी आप कांटेक्ट करके यहाँ पर जो भी आपका हो सकता हमारे हेल्प कर सकते। और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है साहब, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की नहीं है या तो ये फिर किसी और की भी नहीं है, ये कोई भी इंसानियत के नाते कोई भी यहाँ पर सपोर्ट कर सकता, हेल्प कर सकता, ये इंसानियत बताने का एक जरिया है। और ये रमजान का महीना है, स्पेशली रमजान में क्या है ना, आप जो भी आप लोग जैसा कि अपन रमजान में जो ये क्या बोलते सो अपन अपने पैसे के ऊपर जो भी जकात वगैरह निकालते, आप चाहे तो उसके पैसों से भी आप लोगों की मदद कर सकते, जरूरी नहीं है कि वो ऐसे टाइम पे वो भी यूज कर सकते, चाहे तो आप कोई भी इमाम से मालूम कर सकते हैं। तो आप जो भी हो सकता यहाँ पर आज के जमाने में, अभी रमजान का महीना है तो यहाँ पर क्या है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का महीना एक टाइम रोजा रह सकते हैं लेकिन दूसरे टाइम तो भूख लगती ना सर, तो वो भूख मिटाने के लिए तो भी आप लोगों के साइड से जो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग पीपल से मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि कोई भी हो सकता हो, कोई भी हो सकता जो भी कर सकते यहाँ पर आके आप हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर, और पब्लिक यहाँ पे बहुत दुआ देंगी आपको। और यहाँ पर टोटल बीओ, और यहाँ पर क्या है ना, पब्लिक एकदम गरीब हालात में है, यहाँ पर ऑटो चलाने वाले जहाँ पर अभी आज के तारीख में ऑटो चलाना यहाँ पर दे रहे ही नहीं, बाहर ही नहीं निकालने दे रहे, और यहाँ पे फ्रूट के बंडिया वो ही लगा के वो भी क्या है ना बाहर से पैसे लेके खर्जा लेके कारोबार करने वाले, आज की तारीख में कोई भी खर्जा नहीं दे रहा, कारोबार कर नहीं सकते उन लोग तो ये। और मेडिकेशन का प्रॉब्लम है यहाँ पर, जहां पर यहाँ पर इतना स्लम एरिया है, यहाँ पर मोरिया भी बाहर से बहते रहते हैं, ड्रेनेज लाइन नहीं है, पानी की सहूलत नहीं है, यहाँ पर बच्चे बाहर खेलते हैं, यहाँ पर कोई भी आके आज तक टेस्ट भी नहीं कर रहा कि कैसा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मेडिकेशन का भी प्रॉब्लम है, और जहाँ पर सहूलत देना एटलीस्ट मंथली वंस तो भी आके, ये तीन महीने में एक बार भी आके यहाँ पर टेस्ट नहीं करे, एटलीस्ट मेडिसिन तो भी डोर टू डोर आके चेकअप करके दे सकते हो, उसमें आपको COVID-19 के भी पेशेंट्स है तो भी मालूम हो जाता, दूसरा क्या है ना आपको यहाँ पर स्प्रेड नहीं हुए जैसा भी आपको यहाँ पर आइडिया लगता। और यहाँ पर मेडिकेशन देने से क्या है ना इम्यूनिटी स्ट्रेंथ बढ़ेंगी और डिसीज आने से पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, यहाँ पर मेडिकल और जो है सो फूड का वेजिटेबल्स का जो भी हो सकता आप सपोर्ट कीजिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा हेल्प नंबर है देखिए 7575692788585, और एक नंबर है 7569278585 पे आके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर कोई हेल्प करना चाह रहे ये नंबर है देखिए, फिर अखद मैं आपको नंबर बोल रहा हूँ 7569278585, फिर अखद आपको दोहरा रहा हूँ मैं नंबर, देखिए आप 7569278585, आप कोई भी हेल्प करना चाह रहे आप ये नंबर पे आके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप डोर टू डोर दे सकते हैं जैसा बोले वैसा, मेरे पास पूरी लिस्ट है, आप कभी भी कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको कभी भी व्हाट्सअप बोले व्हाट्सअप करता हूँ, जैसा बोले वैसा आप, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का। పెద్దలోకి మన తెలంగాణ లీడర్స్ కేసీఆర్ గారికి, కేటీఆర్ గారికి, మన సవిత మేడం గారికి, మన రంజిత్ రెడ్డి ఎంపీ గారికి, మన అసద్ భయ్ అన్న పెద్ద అన్నగారికి, మన అక్బర్ అన్నగారికి, మన కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్లకు అందరికీ దయచేసి ఇక్కడ రాజ ముస్తఫా హిల్స్లో మన అల్మహద్ మద్రసా దగ్గర పేదోళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మందికి తెలుగు రాదు, వాళ్ళు ఏం చెప్పడానికి భయపడుతుంటారు, చాలా మంది ఇంట్లలో ఉండి చూస్తున్నారు, ఈ రెండు నెలల నుంచి వాళ్ళు పని ఏం చేస్తలేరు, ఏం తినాలే, 12 కింటాలు బియ్యం ఇస్తే ఆ బియ్యం తిని ఉండలేరు కదా, 1500 ఇస్తే ఒక్కొక్క ఇంట్లో 8 మంది పిల్లలు ఉన్నారు, పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు,
హాస్పిటల్ కి పైసలు తెలుగుతున్నారు, ఎక్కడన్నా పోవాలంటే అక్కడ డబ్బులు తెలుగుతున్నాయి. అంటే వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు 1800 ఒక్క రోజు, 2 రోజులు, 3 రోజులు అయితే లేదు వాళ్ళకు. ఇంట్లో చాలా మంది ఉన్నందుకు ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చేది ఏంది? వాళ్ళు బతికేది ఏముంది? చాలా బాధపడుతున్నారు పిల్లలందరూ, మంది అంతా బాధపడుతున్నారు. మన సవిత మేడం గారు ఇక్కడ చాలా విలువ ఉంది, వాళ్ళు ఏమి ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు ఏం ఒక దానం కూడా చేయలేరు. ఇంట్లో ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు పెద్ద లీడర్షిప్ లో ఉన్నారు. ఇంకోటి రంజిత్ రెడ్డి గారు కొత్త వ్యక్తి, ఎంపీ గారు వాళ్ళు, ఆయనకి ఎంత దయ ఉండాలి, పెద్దగా ఆయన ఖుషి ఉండాలి. ఆయన కావాలంటే ఇటువంటి పేద కాలనీలో వచ్చి ఏమైనా దానం చేయవచ్చు. అందుకోసం ఇదే రిక్వెస్ట్ ఉన్నది వాళ్ళకు, మా ఈ పిల్లలకు చూసి ఏమైనా చేయాలంటే వాళ్ళు దయచేసి ఇది చేస్తున్నాం. నమస్కారం చెప్పండి.